शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वाह, शादी हो तो ऐसी, क्या रंगीनियां हैं, क्या सजावट है। लगता है कौशल साहब ने अपने बेटे कृष्ण कुमार की शादी की खुशी में पूरे होटल को दुल्हन की तरह सजा दिया। अरे यही नहीं रणबीर पुष्प जी, इस महफिल में चार चांद लगाने के लिए दिल्ली शहर की मशहूर गाने वाली जोड़ी आनंद और ज्योति का प्रोग्राम भी रखा है। बिल्कुल ठीक कहा प्रवेश भाई आपने, दिल्ली में तो लोग कहते हैं जिस महफिल में आनंद और ज्योति का गाना नहीं उस महफिल में जाना नहीं। बिल्कुल 16 आने और 100 पैसे, सच्ची बात कही है आपने भाई। शादी हो या जन्मदिन हो, सिल्वर जुबली हो या उद्घाटन हो, सुनने वालों को तो बस सुनने का बहाना चाहिए। वाह, अरे भाई आप यहाँ और मैं आपको सेठ के पास ढूंढ रहा हूँ। अरे भाई हम वहाँ जाकर क्या करेंगे, हम तो वहाँ जहाँ ये, यानी कि रोशन लाल की रोशनी। नहीं समझे, मेरा नाम रोशन लाल कैसे हुआ पता है आपको? मैं जिस अस्पताल के अंदर पैदा हुआ था वहाँ पर पैदा होने के पहले ही रोशनी गुल हो गई और मेरे पैदा होने के साथ ही रोशनी वापस आ गई। तो मेरी माँ ने कहा कि देखा मेरा लाल आ गया तो रोशनी भी आ गई, इसलिए आज से मैं इसे रोशन लाल कहकर ही पुकारूंगी। रोशन लाल जी डायरी निकालिए और 20 तारीख को मेरे भाई की शादी का प्रोग्राम पक्का कीजिए। भैया
20 तारीख को तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि 20 तारीख तो फुल है, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आपको पूरे 20,000 दूंगा, ये लीजिए 5,000 रुपया एडवांस। अब तो देखे डायरी, अब नोट देखने के बाद डायरी देखने की क्या जरूरत है, आपकी बुकिंग पक्की है, समझिए। जी हाँ, नमस्कार। गुरुजी ये लीजिए नारियल, अब इसे फोड़कर प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए। लोग गाना सुनने के लिए वाकई बहुत बेचैन है। हाँ, चाहिए। आइए आइए। ए ले जा तू छल्ला निशानी, दे जा तू छल्ला निशानी, ले जा तू छल्ला निशानी, दे जा तू छल्ला निशानी। की भूख लग रही है, क्या बना रही है? गोभी के पराठे। अरे गोभी के पराठे, वाह माँ क्या बात है, परौठों का नाम सुनते ही तो भूख और भी तेज हो गई। अब तू फटाफट जल्दी से ले आ, अगर तू कहे तो मैं वहाँ के बेलता हूँ, तू पकाती जाना। बस बस बस, रहने दे रहने दे, वरना पूरे हिंदुस्तान के गाँव के नक्शे खींच के रख देगा। अरे इसीलिए तो कहती हूँ जल्दी से एक बहू ले आ,
जो काम में मेरा हाथ बटा देगी। माँ शादी तो मैं अभी इसी वक्त करने को तैयार हूँ, मगर वो क्या है कि अपने स्टाइल की लड़की नहीं मिली अभी तक। कैसी लड़की? जिसके हाथों में परौंठे बनाने की कला हो, जिसकी आंखों में प्यार की चमक हो, जिसकी आवाज में मोहब्बत की सदा हो, जिसकी मुस्कुराहट में दोस्ती का पैगाम हो, मासूम भोली वाली सूरत, मीठी मीठी बातें, शरबती शरबती आंखें, नाजुक नाजुक होंठ, बस माँ बस। जिस दिन भी ऐसी लड़की मिल जाएगी फौरन उसका हाथ पकड़कर तेरी आंखों के सामने खड़ा कर दूंगा और कहूंगा कि माँ ले आए तेरी बहू को, और तू प्यार से हमारे सर पर अपना हाथ रखकर अपना आशीर्वाद देना और कहना कि जीते रहो। कहो कैसी रही? अरे रहने दे रहने दे, भला तू क्या शादी करेगा? क्यों 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 नहीं कर सकता मैं शादी? क्या कमी है मुझमें? हट्टा कट्टा हूँ, खाता कमाता हूँ, जवान हूँ और हैंडसम भी हूँ। वो सब तो है, लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? घर गृहस्थी चलाने के कोई भी गुण नहीं आते माँ जी। इसको तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लो सुनो माँ, अब हमें इनसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। भाई मेरा तो पराठा जल रहा है। ये ले तेरी ट्रेनिंग का पहला लेसन। क्या ये? तेरा हिस्सा जो तू वहीं पर छोड़ाया था। तनख्वाह के साथ साथ इस ऊपर के हिस्से को कभी मत छोड़ना, क्योंकि घर तो इस ऊपर के हिस्से से ही चलता है ना। थैंक यू वेरी मच मिस गृहस्थी। और अब लेसन नंबर टू, यानी कि फैमिली प्लानिंग। हम दो हमारे दो। अरे बस बस बेशरम कहेगी। अरे बच्ची तेरे को मैं भाग के दूँ, चोटी कर दूँ, बिल्ली कहेगी। अरे ठहर, अरे छोड़ूंगा। अरे कहाँ भाग रहे हो, बारिश में भीग जाओगे। आज दिल्ली शहर में मूसलाधार बारिश हो रही है, लगता है यातायात ठप हो जाएगा। 25 साल में ऐसी बारिश कभी नहीं पड़ी। आज न्यू दिल्ली में ऐसा। अरे मार दिया यार, ये तो कह रहा है कि मूसलाधार बारिश हो रही है, यानी यातायात ठप, दुकानें बंद। अरे भैया ये दिल्ली शहर है, या तो रोशनी के अड्डे भी 7 बजे बंद हो जाते हैं, अगर ऐसा ही रहा तो खुलेंगे ही नहीं। ओ, ये बिन मौसम की बरसात। और गिराओ बम और जलाओ तेल के कुएं, ऐसा ही रहा तो साल में 12 महीने तक बारिश होती रहेगी। ऐसी सर्दी पड़ेगी कि दिल्ली श्रीनगर बन जाएगा। ऐसी बर्फ गिरेगी कि लोग लाल किले पर स्केटिंग करने आया करेंगे। ये देखो चली आ रही है सर से पांव तक भीगी हुई। कहाँ गई थी ये बारिश में? आनंद के पास, उसका उसका हिस्सा देने के लिए। ओ मतलब उस बेचारे को भी भिगो दिया? मैंने कहाँ भिगोया, अब आप तो कुछ समझते ही नहीं ना बाबूजी। अच्छा अब यहाँ खड़ी खड़ी छींकती रहेगी, अंदर जाके कपड़े बदलेगी, जा जुकाम हो जाएगा जा। और तुझे तो मैं ये भी नहीं पिला सकता। जिसकी आवाज में मोहब्बत की सदा हो, जिसकी मुस्कुराहट में दोस्ती का पैगाम हो, मासूम भोली वाली सूरत, मीठी मीठी बातें, जिस दिन भी ऐसी लड़की मिल जाएगी फौरन उसका हाथ पकड़कर तेरी आंखों के सामने खड़ा कर दूंगा और कहूंगा कि माँ ले आए तेरी बहू को। मैं वही तो हूँ जिसकी तुझे तलाश है, बस एक बार प्यार भरी नजर से देख तो ले। तेरी तलाश मेरे पास आकर खुद ही रुक जाएगी, मगर तू तू तो कुछ समझता ही नहीं। बस
अरे ज्योति, उठे नहीं क्या अब तक? नमस्ते रोशनलाल जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। सुबह सुबह किसकी चिट्ठी लेकर आए भाई? रोशनलाल जी चिट्ठी नहीं, तार लाया हूँ। तार? तार? तार कहाँ से आया? उत्तर काशी से। उत्तर काशी? एक काम करो, तुम पढ़कर सुनाओ, अगर अच्छी खबर है तो दे जाओ और बुरी खबर है तो ले जाओ। सुनाओ। श्रीमान रोशनलाल जी। हाँ जी। मेरी बेटी की शादी है। बड़ी खुशी की बात है। आप अपनी म्यूजिकल पार्टी के साथ 13 तारीख को उत्तरकाशी पहुंच जाइए। 13 तारीख को उत्तरकाशी। कमिश्नर खन्ना। कमिश्नर खन्ना। अरे बाप रे, ये बुकिंग तो मैं भूल ही गया था। एक काम करो भैया, ये तार मुझे दे दो और जाओ। पोस्टल डिपार्टमेंट में आने से पहले रेलवे में थे? जी नहीं। सिग्नल की तरह अप डाउन क्यों कर रहा है? ताला। रोशनलाल जी, ये सलाम भी है और बख्शीश का सिग्नल भी है। बख्शीश का है कि? खुशी का तार लाने की। खुशी तो मुझे मालूम हो गई जी। अब तार अपने पास ही रखिए और जाइए। क्या बात है बाबूजी? अरे बेटा, उत्तरकाशी पहुंचने की तैयारी करो। ये डायरियों के चक्कर में मैं असली कस्टमर तो भूल ही गया था। अगर हम उत्तरकाशी नहीं पहुंचे तो कमिश्नर साहब वहां गोली चलाएंगे और मुझे यहां आकर लगेगी डिश। अरे ये क्या हुआ, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। अब क्यों रुक गई गाड़ी भाई? क्या हुआ भाई? आगे एक ट्रक पलटी हो गया जी, रास्ता ब्लॉक है। रास्ता ब्लॉक? चुप करो यार, तीन आदमी साथ में बोलोगे तो रास्ता खुल जाएगा क्या? कब तक खुलेगा? क्रेन आवेगी, ट्रक उठावेगी, तभी कुछ बात बन पावेगी। गाड़ी चलाने की तमीज नहीं क्या? क्या कहा? आपको गाड़ी चलाने का लाइसेंस किसने दिया? ए मिस्टर, माइंड योर टंग। अरे अरे, कमाल है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अगर एक्सीडेंट हुआ था तो? लेकिन हुआ तो नहीं ना। अरे ये तो किसी रईस बाप की बिगड़ी हुई पागल लड़की लगती है यार। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। जोकर कहीं का। अबे जाइए, क्यों लड़ाई को लस्सी की तरह बढ़ा रही हो? जाइए जाइए। I will see you. Oh, sure. When and where? नहीं, इनका मतलब है कब और कहाँ? ऐसी सरफिरी लड़की के मुंह ना ही लगे तो अच्छा है। देखा नहीं कैसी कैंची की तरह जबान चला रही थी। I will see you. बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। तमीज खुद को नहीं और बदतमीज हमें कह रहे हैं। Nonsense. अब इसको क्या हो गया? लगता है स्टार्टर खराब हो गया। ओह गॉड। ये बड़ा कोई बुड्ढा। सुनिए सुनिए, बजाए भूत नहीं है भाई, भूत नहीं है, इंसान है। इंसान है, इंसान है, इंसान इंसान है, इंसान इंसान है। आगे रास्ता ब्लॉक हो गया, रात को ठहरने के लिए जगह चाहिए। जगह चाहिए? ये होटल नजर आ रहा है आपको? गेस्ट हाउस दिखाई दे रहा है। डाक बंगला समझा आपने? अरे ये बंगला है, वो भी प्राइवेट। जाइए, निकल जाइए यहाँ से। किधर लेके जाता महाराज? सोमरस है, प्योर देशी माल। अरे हम कौन सा परदेशी है? अब क्या है कि हमको आपके ऊपर बहुत तरस आ रहा है। सब लोग ठंडी में कैसा ठुठुर रहा है। अब एक काम करते हैं, अगर आपसे अगर कोई पूछे तो आप बोलना नहीं, तुम तो शक्ल से बदमाश नजर आ रहा है, सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ये लड़का बिल्कुल शरीफ लगता है। सुनिए, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलना कि आप इस जगह का मालिक है। मालिक? हाँ मालिक। मैं? हाँ। अब इस बंगले का? हाँ। ठीक है ठीक है, आइए। हाथ मुंह धोके बाथरूम जाके सो जाओ। अरे भाई साहब, आप किधर जा रहे हैं? ओके, 1 2 3 4 5 6
आप किधर जाते हैं? आप इधर आइए, आपके साथ एक प्राइवेट काम है। वो सोमरस का बॉटल निकालिए, क्योंकि अंदर जाने के लिए हमारा कमीशन है। जाइए 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 जाइए। एक कंबल अंदर डालेगा, एक कंबल ऊपर डालेगा, फिर आराम से नींद आएगा। थैंक गॉड हमारे बंगले के पास ही रास्ता ब्लॉक हुआ, नहीं तो इतनी रात का कहां जाते। काशीराम 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 काशीराम, तुम? जी हाँ मैं। पहली बार इत्तेफाक से मुझे आप रोड पे मिली, और दूसरी बार इस छोटे से अरसे में यहाँ, और अब तीसरी बार कहाँ मिलने का इरादा है मैडम। शट अप। अरे पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो क्या है कि ये भी एक इत्तेफाक है कि मैं इस बंगले का मालिक हूँ। तुम और मालिक? जी हाँ मालिक। बाय द वे ये बंगला मेरा है और इसकी मालकिन भी मैं हूँ। चलो आप बाहर निकलो यहाँ से। ओह मालकिन। देखिए मेम साहब, अगर रात गुजारनी है तो जरा प्यार से इजाजत मांगिए। ये मालकिन की धौं जमा कर आप अंदर नहीं जा सकती, समझी? मैं कहती हूँ सीधी तरह से बाहर निकलो वरना। इतनी सर्दी में इतनी गर्मी अच्छी नहीं। क्यों काशीराम? काशीराम काशीराम काशीराम। मालकिन राम राम। अबे मालकिन के बच्चे मैं कौन हूँ फिर? हाँ मालिक हो। कौन है ये? मालकिन। मैं मालिक हूँ। मालिक है। क्या बोल रहे हो? मालकिन है। मैं मालिक हूँ। मालिक है। मालकिन है। मालकिन है। मालकिन मालिक मालकिन मालिक। काशीराम निकल जाओ यहाँ से, बाहर निकल जाओ। बाहर? अबे गधे तूने तो बोला था कि मैं मालिक हूँ। अरे अब मैं ही बोल रहा हूँ कि ये मालकिन है, तुम मालिक नहीं हो। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ये तो शोर क्यों मचा रहा है? तेरे को बोतल तो दी थी। अरे क्या हुआ? मालकिन जी आ गई है। कहाँ है मालकिन? ये सामने खड़ी है ना। तुम लोग क्या देख रहे हो? सामान उठाओ अपना जल्दी जाओ। आ जाना भाई। अरे भैया मुझे क्या मालूम था असली मालकिन आ जाएगी। माफ करना भैया, जहाँ जगह मिले सो जा। ठीक है ठीक है। दो तीन, अरे चले चार पाँच। अच्छा क्या कहाँ गया? इधर छुपा, बाहर निकलती आती। चलो जाओ। रानी वो रात वाले जबरदस्ती के मेहमान कहाँ गायब हो गए? ना बंगले पर दिखाई दिए और ना ही कहीं रास्ते में। रात को तो बड़ी बेदर्दी से निकाल भगाया, अब क्यों पूछ रही हो? सोच रही थी इतनी ठंडी रात में। अरे वो देख मधु बेटी आ गई। सर्दी में अकड़ कर दिल्ली की 11 मूर्ति की तरह 6 मूर्ति बने खड़े होंगे कहीं पर। अंकल लगता है आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, कितने कमजोर हो गए आप। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखा बेटी, इससे पहले कि मैं यही सवाल इससे पूछूं ये मुझसे पूछ बैठी है। बहुत शरारती हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ, तू दिल्ली से पढ़ाई खत्म करके आई और आज ही मेरा बेटा बलबीर अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके आया है। हेलो वेलकम होम, आई एम बलबीर। हाय वेलकम टू यू टू, आई एम मधु। वाह व्हाट अ लवली नेम मधु। पहचाना इसे? हेलो हाय। तुम कैसे पहचानोगी, तुम तो छोटी सी थी जब ये अमेरिका चला गया था। आओ डैडी। आपने मिस मधु को स्टडीज के लिए अमेरिका क्यों नहीं भेजा? अरे मेरा बस चलता तो मैं इसे दिल्ली भी ना भेजता। पर क्या करता, एक दोस्त को दिए हुए वादे ने मजबूर कर दिया। दोस्त नहीं मेरा भाई था, राम जैसा भाई। खुद तो चला गया लेकिन जाते वक्त झूले में झूलती एक नन्ही सी परी की देखभाल का वादा ले गया। रखवाला बना गया मुझे अपनी औलाद का, अपने कारोबार का, अपनी जायदाद का। मैं भी कितना अजीब हूं। तू इतनी दूर से थकी मांदी आई और मैं अपनी दास्तान सुनाने बैठ गया। जा आराम कर बेटी, शाम को खन्ना साहब के यहाँ जाना है, वहां तेरी सहेली क्या नाम है उसका, ममता की शादी है। हाँ मुझे तो पहले जाकर उसे मेहंदी भी लगानी है। चल रानी जल्दी चलते हैं। बहुत इनोसेंट है डैड। अरे बड़े लाड़ प्यार से पाला है अपनी लाडों को। पता नहीं किसका मुंह देख के ये सफर शुरू किया था, यहाँ आते आते ये हालत हो गई। अब पता नहीं वापस लौटते लौटते और क्या क्या भुगतना पड़ेगा। थककर चूर हो चुके हैं, ऐसे में प्रोग्राम क्या खाक देंगे? प्रोग्राम तो हर हालत में देना ही पड़ेगा, मगर मुझे गुस्सा तो उस लड़की पर आ रहा है।
अरे ये तो पूछ लेते कि हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, मगर नहीं, उसको तो एक ही रट लगी हुई थी, निकलो बाहर निकलो बाहर। छोटी सी दुनिया है ज्योति, अगर इत्तेफाक से हमें वो दोबारा कहीं मिल गई ना, तो हम भी उसे अपना ऐसा इंट्रोडक्शन देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। अरे भैया तुम लोग यहाँ पे प्रोग्राम देने आए हो या अपना इंट्रोडक्शन देने आए हो? मगर ये सब क्या है? ऐसे पूछ रहा है जैसे कभी देखा ना हो। अरे भैया ये रोशनी है, रोशनी पहाड़ी इलाका है, कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। लड़के का लफड़ा छोड़ो, गाने की तैयारी करो और अपनी आवाज की मेहंदी से मेहमानों पे ऐसा रंग चढ़ाओ कि जिंदगी भर वो रंग न छूटे। इस चांद के मैं सदके जो नूर है जमी का, शर्मा रहा है तुझसे ये चांद चौदवी का। इस चांद के मैं सदके जो नूर है जमी का, शर्मा
का शर्मा रहा है तुझसे ये चांद चौदवी का मुझे चांद कहने वाले मुझको तो ये यकीन है मेरे हुस्न से भी बढ़ के तेरी नजर हंसी है इस चांद के थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया ऐ चांद तेरे सदके तू नूर है जमी का तेरे सामने है फीका वो चांद चौदवी का इससे पहले कि मेरा दूसरा हाथ उठ जाए यह हाथ छोड़ दो अरे आप तो यूं ही नाराज हो रही हैं हम तो आप ही के अल्फाज में आपकी तारीफ कर रहे थे खैर छोड़िए इन बातों को क्यों कल की रात हमारे नाम आई एम नॉट योर कप ऑफ टी यू आर राइट बेबे तुम तो शराब की बोतल हो और हम शराबी रानी पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा वो तो यही सोचता होगा कितनी घमंडी मगरूर दौलत की नशे में चूर लड़की है छोड़ना रानी अरे वो इस वक्त यही सोच रहा होगा जो तू उसके बारे में सोच रही है क्या छुपा मत मैंने सब देख लिया है उसकी आवाज ने तेरे दिल में प्यार की हलचल मचा दी है तेरा चश्मा तुझे कुछ भी दिखा देता है ऐसी कोई बात ही नहीं है अरे मेरा चश्मा अरे मुझे चश्मा चाहिए तो मैं पीछे पीछे आ जा पीछे पीछे अरे ये ऊंची नीची बल खाती वादियों में क्यों दौड़े जा रहा है यार अबे चल ना यार अरे हम नाचने गाने वाले हैं हमें कौन सा दौड़ भाग का प्रयास करके मिल्खा सिंह बनना है नहीं मानेगा ठीक है अबे 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 चलना अरे अगर तू भागेगा तो मैं यहीं रुकूंगा और सुन मैं तेरी यही प्रतीक्षा करूंगा अपनी दौड़ भाग यात्रा के पश्चात मुझे यहाँ से लेके जाना बोलना मत मुझे तो रास्ता भी नहीं आता यार एक मिनट मेम साहब कितना हसीन इत्तेफाक है चौथी मुलाकात में फिर आप मुझसे टकरा गईं जब भी मिली हैं झगड़ा ही किया है आपने आज क्या इरादा है क्या भाई क्या हो गया तुम लोगों को ये मरियल टट्टू की तरह क्यों मुंह लटका कर बैठे हो चलो 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 जल्दी अपना सामान बांधो निकलने की तैयारी करो चलो गुरुजी दिल्ली में तो पूरा जीवन व्यतीत करना है जवानी के कुछ दिन इन हसीन वादियों में व्यतीत करने दीजिए ना कुछ यादें कुछ मुलाकातें कुछ बातें साथ ले जाएंगे और वो दिल्ली में जिससे एडवांस लिए उसको क्या दिखाएंगे वादियां चलो चलो शाम से पहले इस पहाड़ी इलाके को पार करना है चलो ओ ज्योति आ रही हूँ बाबा पैकिंग तो करने दीजिए चले उड़े जा रहे पंछी के अब ये
कहाँ जाने की तैयारियां हो रही है रोशनलाल जी? अरे नमस्ते जी, बस वही जा रहे हैं जहाँ से आपने हमें बुलाया है। लेकिन अभी आप वहाँ जा नहीं सकते। क्यों? वो क्या है, कल रात के तूफान में लैंडस्लाइड्स हो गए तो दिल्ली जाने वाली सड़क धस गई है। अब उसके ठीक होने में कम से कम 8-10 दिन तो लग जाएंगे ना। 8-10 दिन? नहीं, 8-10 दिन तो? अरे सुंदर जगह है, हसीन वादिया है। हसीन वादिया? अरे वाह, आपके और हमारे विचार कितने मिलते जुलते हैं। छोटी मालकिन, ये पैकेट कोई आपके लिए देके गया? कौन लेकर गया? पता नहीं, ये आपको देने के लिए कहा और चला गया। अरे इस तोहफे को चूमने से क्या होगा, मेरे पास उसका फोन नंबर है, बुला लूं? बिना परों के उड़ता चलाएगा परवाना। और फिर जो तूने इसके साथ किया है ना, वही तू उसके साथ करना। चल फोन लगाते हैं, चल चल। 2-2-2 बन गई। यार हेलो, मेरे वाला है। हेलो हेलो, अबे गधे, हेलो ले करता रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा? अरे पर तू जा रही है किंतु आगे से उत्तर ही नहीं दे रही। हेलो हेलो जी, हेलो बोलो ना। क्या हुआ? कट गई ना मिली हुई लाइट। क्या हुआ? कुछ नहीं, तू हट मैं मिलाती हूँ। नंबर क्या है? 2-2-2 अबे तू रुक, मैं उठाता हूँ। आएगा क्या? हेलो 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 हेलो, वो ही है ना लाइन पर, तो बोल। अरे बोलती क्यों नहीं? हेलो 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 प्रेम से, प्रेम प्रेम। हेलो हाय हेलो बोल। क्या हुआ? साला फोन फिर कट गया। ये जरूर किसी की शरारत है। अरे किसी की नहीं भैया, ये उसी की शरारत है। तू 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 तू, वही था ना फोन पर, तो फिर बात क्यों नहीं की? कैसी लड़की है, बात भी करना चाहती है और खामोश भी रहती है। देख अब मैं फोन मिलाकर देती हूँ, आपकी बार बात जरूर करना। चू चू। अरे मजी, ठहरो ठहरो ठहरो, इस बार फोन मैं उठाती हूँ। हेलो, लाइन में कुछ गड़बड़ है। हेलो हेलो, अरे ये तो डेड हो गई लाइन। क्या डेड हो गई? डेड हो गई, डेड हो गई। लगता है तेरी लाइन के बीच कोई और लाइन फंस गई है, क्या समझी? इस वक्त आपकी प्यार की लाइन व्यस्त है, कृपया कल डायल कीजिए। टेंटेडन। छोटी मालकिन ये लोग आए हैं। जी हम हैं, हम टेलीफोन डिपार्टमेंट, आई मीन दूरभाष विभाग के कर्मचारी। लेकिन हमारा टेलीफोन तो बिल्कुल ठीक है। देखिए मैडम, अगर आपके टेलीफोन ठीक होते ना तो कनेक्शन मिलने में इतनी देर नहीं लगती। क्यों रंगाचारी? बेगदे बोलना। हाँ,
आपसे किसने कहा कि लाइन में खराबी है? देखिए देखिए, जिस तरह से दिल का हाल दिल वाला ही जानता है, उसी तरह से लाइनों का हाल लाइन वाला ही जानता है। लाइन मत मार, क्यों रंगा चाह रही? हाँ, बता दी, दरअसल लाइनों में बहुत लंबी गड़बड़ है, बहुत रॉन्ग कनेक्शन मिल रहे हैं। अब जरा सोचिए कि अगर आप लोगों का रॉन्ग कनेक्शन मिल गया तो हमारा क्या होगा? कि हम टेलीफोन डिपार्टमेंट वालों की कितनी बदनामी होगी। अच्छी भली दो लाइनों के बीच जब तीसरी लाइन मिल जाती है तो दोनों की राज की बातें तीसरी लाइन वाला सुन लेता है। जब दो प्रेमी बात करते हो तो कोई दिल जला सुनता रहता है। जब दो व्यापारी आपस में बातें करते हैं तो सुना करता है। और जब दो चोर बातें करते हैं और कोई पुलिस वाला सुनता रहता है। और जिस तरह कल रात हम आप लोगों की बातें सुन रहे थे, सुन रहे थे। गांधी बाबा से गेस्ट हाउस के किसी खास गेस्ट से आप कहने की कोशिश कर रही थी आई लव यू, लेकिन कह रही थी हेलो 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 गेस्ट हाउस। जी हाँ, तू 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 मेरा मतलब है तू 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 तू। तो आप लोग टेलीफोन डिपार्टमेंट से आए हैं जी? आपको कोई शक? तुम लोग मेरे घर तक चले? ठीक है, बाहर निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। अरे क्या हो गया? अरे ये भी ले लीजिए। तुम बाहर निकलते हो कि नहीं? अरे क्या मतलब जी, आपने फिर से वही राग लगाना शुरू कर दिया कि बाहर निकलो बाहर निकलो। ये गुस्से में कह रही है कि पापा प्यार से? अरे क्या, तू प्यार से रही जी? नहीं, गुस्से में बोल रही हूँ। तुम बाहर निकलते हो या मैं शोर मचाऊं? नहीं नहीं नहीं, आप शोर मचाएंगी तो आपके अंकल आकर अपनी खानदानी तलवार से मेरी गर्दन काटेंगे। मैं तैयार हूँ। मैं नहीं, हम तैयार हैं। चलो बाहर यहाँ से जा। नहीं नहीं, जाता है कि नहीं? नहीं। ठीक है, कल यहाँ की खुली वादियों में मेरा प्रेम आपके कदमों की जंजीर बन जाएगा और आप खुद ब खुद कह उठेंगी आई लव यू। सलाम। अरे अरे अरे, तू कहाँ जा रहा मुझे छोड़ के? सलाम, भूलना नहीं। अरे सहीरा। जी मैम साहब। मधु मैम साहब कहाँ गई? वो तो बाहर चली गई। कहाँ? मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक? इस अधूरे शब्द को पूरा करके आपने अपने दिल की बात कह दी। जी नहीं, सिर्फ शब्द पूरा किया है। शब्द नहीं, प्रेम, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करती हैं। आई नो यू लव मी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ मधु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
रोग दिलों के पाले मैं हूँ माठूराम गेस्ट हाउस का माली। हाँ बोलो। साहब जी गेस्ट हाउस के सारे गेस्ट बाहर गए हुए हैं और वो नाचने गाने वाली हिरनी अकेली है। आपका शिकार आपकी राह देख रहा है साहब जी। अचानक बस यू ही समझे। अगर मैं अपना भूला हुआ पर्स लेने वापस ना आता तो शायद ये मुलाकात ना होती। ज्योति आ रही हूँ। ज्योति मेरा पर्स। आनंद बाबू ये मुलाकात तो अभी अधूरी है, मुलाकात तो कल पूरी होगी जब आप मेरी बर्थडे पार्टी पे आएंगे। बर्थडे? जी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, लेकिन यहां कंग्रेचुलेशंस कहने से काम नहीं चलेगा, आपको मेरी पार्टी में आना होगा। डेफिनेटली, व्हाई नॉट। अब आप इतने प्यार से बुला रहे हैं तो आना ही पड़ेगा। हम लोग जरूर आएंगे। थैंक यू, वेलकम, बाय बाय। बाय। वेल डन। आनंद, आनंद, आनंद! तेरी इतनी हिम्मत कुत्ते! मार, मार, मार इसे, मार! छोड़ना नहीं इसे, छोड़ना नहीं इसे आनंद।
चाचा जी आप जल्दी से आइए। ये हिंदुस्तान है जहां मेहमानों को इज्जत दी जाती है, उनकी इज्जत लूटी नहीं जाती। हम महफिलों में नाचते गाते जरूर हैं अंकल, लेकिन बाजारों में अपनी इज्जत नहीं बेचते। हाँ अंकल, बलबीर ने तो ये सब किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, यही सीख कर आए हो तुम। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, औलाद कहते हो मुझे शर्म आती है तुम्हें। मैं बहुत शर्मिंदा हूं डैडी, थोड़ी देर के लिए मैं बह गया था, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया मैं, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी मांगने से पहले अपने जज्बात पर काबू पाना सीखो। जज्बात के समंदर में बहने वालों को किनारे नहीं मिलते, डूब जाते हैं वो। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं, हो सके तो उसे माफ कर दे। नहीं नहीं अंकल, आप तो बड़े हैं, हम बच्चों के आगे इस तरह हाथ मत जोड़िए। हम चलते हैं, चलो ज्योति। औलाद हो तो तुम्हारी जैसे बेटे। ये तो मैं जानती हूँ कि तुम हैंडसम हो, टफ हो, बदमाश शरीफ हो। गाना तुम्हारी हॉबी है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं मालूम कि तुम्हें और क्या क्या पसंद है। आपको अभी तक मेरी पसंद नहीं मालूम? आइए बैठिए, मैं बताता हूँ। मुझे अच्छी लगती है खूबसूरती कमल की, खुशबू गुलाब की, रंगत चांद की, और मोहब्बत मोहब्बत आपकी ही आपकी। और जहाँ तक खाने का ताल्लुक है तो मेरी खास पसंद है, पूछे क्या क्या? गर्मा गर्म परौठे। परौठे? जी हाँ परौठे। इसलिए माँ बोलती है कि बेटे जब भी तेरी शादी करूंगी तो होने वाली बहू का स्क्रीन टेस्ट किचन टेस्ट जरूर लूंगी, परौठे बनवाऊंगी उससे। लेकिन अगर वो लड़की परौठे ना बना पाई तो वेरी सिंपल, माँ उसको रिजेक्ट भी कर सकती है सिर्फ परौठे ना बनाने पर। हाँ भाई, अब तुम ही बताओ, जिस लड़की को मेरी फेवरेट डिश बनानी नहीं आती हो, क्या वो मेरी पत्नी बन सकती है? नहीं बन सकती ना? तुमको तो परौठे बनाने आते हैं ना? हाँ, तो बस तुम्हारे चांसेस बहुत ब्राइट हैं। ए, क्या हुआ? सोच रही हूँ चांसेस तो ब्राइट हैं। ए, नो टेंशन, चेयर अप चेयर अप। परौठे? ए, क्या कर रही है छोटी मालकिन? देख नहीं सकते, पराठे बना रही हूँ। पराठा? आपने तो लई है ना डाली। लई? लाइए मालकिन, पराठे मैं बना देता हूँ। नहीं, पराठे तो आज मुझे ही बनाने, तुमसे खा दो ना प्लीज। अच्छा मालकिन, पहले इसमें थोड़ा आटा डालिए, फिर इसमें आप थोड़ा पानी मिलाइए और मिलाते जाइए। धीरे धीरे गूंदिए ना मालकन। लेकिन मुझे तो जल्दी है। तो फिर जल्दी से पेड़ा बनाइए। हाँ। अब इसे गोल गोल घुमाइए, चकले पर डालिए, बेलन उठाइए और घुमाना शुरू कर दीजिए जोर से। मेम सर, ये तो मेरे गांव का नक्शा बना दिया आपने। शट अप, निकलो बाहर। जी वो पराठा मैं बना लूंगी, मैं बना लूंगी। नाउ गेट आउट, गेट आउट। आज ये पराठा बनाने पर क्यों तुली हुई है? ए जाने इसका पराठा। ये तो बनी नहीं रहा। आनंद,
परांठा बन गया? और अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ, ये देखो। अपने हाथों से बनाकर लाई हो तो अपने हाथों से खिला भी दो। अच्छा बैठो। ये क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, वो क्या है कि पहली बार परांठे बनाए ना, इसलिए हाथ थोड़े से जल गए। जी करता है इन हाथों से एक रिश्ता कायम कर लूं। हाथ छोड़ो और अब परांठा खाओ। आ, 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 नहीं, एक साथ मिलकर खाएंगे। कैसे? मैं बताता हूँ, ऐसे गुग्गा बनाकर। गुग्गा? हाँ, हिंदी में गुग्गा और इंग्लिश में रोल। एक तरफ से मैं खाता हूँ और एक तरफ से तुम खाओ, ओके? Baby।
हमेशा के लिए फिट। अरे मिल गया, दिल्ली जाने का नया रास्ता मिल गया। नया रास्ता? मैं रोशनी लेने अड्डे पर पहुंचा तो पता चला कि इन हसीन वादियों से दिल्ली आवन जावन के लिए यातायात विभाग ने हफ्ते में एक बार ट्रेन की छोटी लाइन की शुरुआत की है। यातायात की इतनी गड़बड़ होने के बावजूद ट्रेन की टिकट भी मिल गई। 12:20 की ट्रेन है, अभी 12 बजे हैं, 20 मिनट में अपना अपना सामान बांधो और चलो। मगर रोशनलाल जी, इतनी जल्दी? अगर मगर कुछ नहीं, चलो। किंतु परंतु तंतु जंतु कुछ नहीं। ज्योति जी, बाबू जी, अरे फंस गए, दिल्ली जाने की टिकट मिल गई है। दिल्ली? तू एक काम कर, तू सामान पैक कर, मैं मधु को फोन लगाता हूं। सुन, अगर मिल जाए तो मुझे बुला लेना। एंगेज्ड? ओफो, एंगेज्ड। एक बार और। ओफ, ये साले फोन को भी इसी वक्त बिजी होना था। आज गेस्ट हाउस के लाइन को क्या हो गया? ओहो, बड़ी बेचैन है उसकी आवाज सुनने के लिए। प्यार का नाम लेकर डायल कर, लाइन मिल जाएगी। आनंद जी, अरे भाई क्या कर रहा है, 10 मिनट बाकी है, किसको फोन कर रहा है इस वक्त? जी, वो कमिश्नर साहब को। क्यों? जाने से पहले उनका शुक्रिया अदा तो कर दूं ना। मैं पूरे इलाके का शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, चलना यार। आनंद जल्दी चलना, गाड़ी छूट जाएगी। चलो, 10 मिनट बाकी है, चलो। फोन में लगा रहता है, चल। राम राम बाबूजी, राम राम। ये ना यार, मेरी गाड़ी छूट जाएगी। बाबूजी राम राम। घंटी बज रही है। हेलो, मैं माथुराम बोल रहा हूँ जी। प्लीज सर, आनंद को बुलवाइए जी। वो लोग तो अभी बिजी, अभी अभी दिल्ली चले गए। चले गए? कब? जी अभी अभी निकले हैं, स्टेशन पहुँचने वाले होंगे। I'm sorry. अरे कहाँ जा रही हैं आप? आप तो ऐसे भागी जा रही हैं जैसे आपकी कोई ट्रेन छूटी जा रही है। छोड़ दे उसका ख्याल, अब नहीं वो आने वाला। एक नंबर का झूठा निकला वो। अपने दिल के फ्रेम से उसकी तस्वीर को निकाल कर बाहर फेंक दे। ऐसे कैसे निकाल दूं? उसकी तस्वीर तो अब मेरी तकदीर बन गई है। बहुत तरस आ रहा है तुझ पर। तू भी क्या याद करेगी, तेरे लिए एक ऐसी चीज लाई हूं जिसे देखकर तू खुशी से नाच उठेगी, तेरे दिल में फुलझड़ियां फूटेंगी। क्या चीज है वो? ऐसा क्या जादू है उसमें? हाय, बड़े गजब का जादू है उसमें। उसे देखते ही तेरे सर चढ़ के बोलेगा, शुक्राना शुक्राना, रब्बा तेरा लख लख शुक्राना। हॉल्ट। ए, बताना क्या चीज है? प्लीज बताना क्या चीज है? ये है वो प्यार का जादू, पैगाम मोहब्बत, प्यार की चिट्ठी, यानी लव लेटर। जान से प्यारी मधु, उस दिन तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, कई बहाने भी बनाए, मगर वक्त ने कहा नहीं, आज तुम अपनी मधु से नहीं मिल पाओगे। नाराज मत होना, मुझ पे भरोसा रखो, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगा। मैं जानता हूं तुम्हारे प्यार का मुजरिम हूं मैं। अब प्यार की अदालत जो भी सजा सुनाए वो सर आंखों पर। मेरी सजा अपने खत में जरूर लिखकर भेजना। तुम्हारे जवाब के इंतजार में बेचैन, तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा आनंद। Thank you.
मधु आओ मधु 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 तुम आ गई मधु। अच्छा तो हम चलते हैं। ओके बाय बाय। मधु मधु अरे मधु कहाँ गया? क्या हो गया मधु? मुंडा कमला हो गया। अरे भागो अरे भागो रे। ओए क्या हो रहा है? नहीं अभी और नहीं नहीं
सेब की पेटियां भरी पड़ी हैं, अभी तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ। चाचा जी, चाचा जी। जी माले, क्या बात है बेटे, बहुत खुश हो? बात ही कुछ ऐसी है चाचा जी। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, बोलना क्या बात है? वो बात यह है कि रुक क्यों गई, बोलना। मुझे शर्म आ रही है चाचा जी। अपने चाचा से कैसी शर्म, बेटी चक बोल। नहीं, पहले आप अपना मुंह उधर कीजिए। अरे ऐसी भी क्या नहीं, बात पहले है? आप अपना मुंह उधर कीजिए। अरे मुंह उधर कीजिए ना चाचा। अरे भाई, जी मुझे, और जब तक मैं अपनी बात पूरी ना कर लूं आप मुंह इधर मत घुमाइएगा, ओके? मुंह उधर कीजिए चाचा जी। ओफो, लो नहीं घुमाऊंगा, बता। चाचा जी मुझे किसी से प्यार हो गया है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, सच्चा प्यार। उसका नाम आनंद है, वही जो ममता की शादी में मिला था। मुझे मालूम है कि वो आपको बहुत पसंद है। बस आपकी पसंद है, आपके मधु की पसंद है। हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया चाचा जी, और अब आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आराम साथी, बेहया। चाचा जी। चाचा नहीं, सुखदेव है नाम मेरा। वो सुखदेव जिसे तेरा पाप अपनी करोड़ों की दौलत का हिसाब किताब रखने के लिए माहवार 2000 रुपए दिया करता था। एक मामूली नौकर था मैं, मामूली नौकर। और आज तक इस उम्मीद पर मैं नौकरी करता रहा, जब तू बड़ी हो जाए तो तेरी शादी अपने बेटे से करके मैं नौकर से मालिक बन जाऊंगा। Don't worry, Dad. जब मालिक बनने का सोचा ही है तो बन के ही रहेंगे। इसकी दौलत के मालिक और इसकी खूबसूरती के मालिक। आज तक मैं तुमको अपने पिता समान समझती रही, चाचा जी कहती रही, लेकिन तुम चाचा के रूप में राक्षस निकले। अपनी ये नीच हरकत दिखाने से पहले तुमने मार क्यों नहीं दिया मुझे, क्यों जिंदा रखा? मार दिया होता मुझे, मार दिया होता। अगर मारना होता तो 18 बरस पहले ही मार डाला होता, लेकिन तेरे बाप की वसीयत ने मेरे हाथ जकड़ रखे थे, इसलिए जवान होने तक तुझे जिंदा रखा, पाल पोस कर भाग गया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक बकरे को हलाल करने से पहले खिला पिला कर हेल्दी बनाते हैं। जब तक ये तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार ना हो जाए, बंद कर दो इसे तहखाने में। जल कुछ नहीं देखा, जान प्यारी है तो इतना याद रखना। चल, तेरे बाप ने घर के साथ साथ तेरे लिए तहखाना भी छोड़ा है। जब तक तू मेरे साथ शादी के लिए राजी नहीं हो जाती, तुझे यहीं रहना पड़ेगा, यहीं सहना पड़ेगा तुझे, समझे? कभी नहीं होगा। I hate you. अमेरिका से आया हूं डार्लिंग, तुम जैसी जिद्दी बिल्लियों को सुधारने की खास प्रैक्टिस है मुझे। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हारी स्वीट 16 जवानी के साथ सुहागरात मना सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी दौलत भी चाहिए, और बिना शादी के वो हमें मिल नहीं सकती, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ शादी करना बहुत जरूरी है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं आनंद से प्यार करती हूँ। आई लव आनंद। तेरे तहखाने की घुटन 2 दिन में तेरे प्यार का बुखार उतार देगी। Thank you.
किसी का खत पढ़ना बहुत बुरी बात है ना, हाँ? घबराओ मत, पढ़ूंगा नहीं, चला दूंगा। कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं, इश्क की दलाली में मुंह काला। ये खतों का आना जाना बंद हो जाना चाहिए। कई दिनों से मधु का कोई खत नहीं आया, कैसी होगी, क्या हुआ होगा, उसने खत क्यों नहीं लिखा, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं, कहीं उसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली, कहीं राजमा की जगह चावल के साथ दाल तो नहीं खा ली। अम्मा यार, इतने सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपका वहां स्वयं जाना जरूरी है, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पर्सनली। अम्मा यार, इतना सोच क्यों रहे हो, चलो पहले घर चलो, माजी खाने के लिए इंतजार कर रही है, चलो। हाँ। लो, ये तो हो गया प्रेम दीवाना। आनंद बेटा, बहुत रात हो गई, सोना नहीं? बहुत दिनों से तुम एकदम बदल गए हो, क्या बात है, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं ज्योति, बस मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं नहीं गाऊंगा। मगर क्यों? मत पूछ मुझसे ज्योति, इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। क्या भाई, क्या हुआ तुझे? मैंने सुना तू गाना नहीं गाने वाला है, तबीयत खराब है, गला खराब है, हाँ? आखिर हुआ क्या तुझे? सब कुछ ठीक ठाक है रोशनलाल जी, बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा। ये मन की आवाज तू कब से सुनने लगा भैया? लगता है तेरे दिल की ट्रेन की पटरी बदल गई है, फॉरन ट्रैक चेंज करके पुरानी पटरी पे आ जा, ये धंधे पानी में कभी कभी दिल को भी मारना पड़ता है। आप मेरे लिए एक प्रोग्राम, सिर्फ एक प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकते आनंद? ये बच्चों जैसी बात करता है तुम्हारा लड़का? अरे भैया, ये कोई शादी वादी का प्रोग्राम नहीं है जो कैंसिल कर दूं, ये टिकट वाला शो है, टिकट वाला, ऊपर से हाउस फुल। जरा अपने मूड को ठीक कर भैया, कहीं पब्लिक का मूड खराब हो गया तो मेरा फ्यूज ऑफ कर देगी और सीधे पहाड़गंज पुलिस स्टेशन लेके जाएगी। जरा समझाओ अपने लाडले को, समझाओ। साला इतना लेक्चर झाड़ा, मेरी पूरी बैटरी डाउन हो गई। ठीक 7 बजे पहुंच जाना, तानसेन की औलाद, शो कैंसिल कर दूं। बेटा, मैंने कहती थी बाबूजी कि वो नहीं आएगा। चुप कर यार। गुरुजी, ये नारियल नहीं है, बम है। आनंद नहीं आया तो ये बम ऐसे फटेगा कि रोशन लाल की रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। गुरुजी, हॉल में तो लोग चिल्ला रहे हैं, अगर इतना शोर मचाएंगे तो कानों के तो पर्दे ही फट जाएंगे। मुझे तो लगता है मेरे दिल की धड़कन बंद हो रही है। इंस्पेक्टर साहब, नमस्ते। यही वो आदमी है जिसने मुझसे एडवांस लिया था और अब प्रोग्राम के वक्त आनंद को गायब कर दिया। मिस्टर खन्ना के साथ जालसाजी करने के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। रोशन लाल, अब तुम हवालात की रोशनी देखना, गिरफ्तार कर लो इसे। Yeah.
यहां किस लिए आए हो? मधु से मिलने। जिस तरह आए हो उसी तरह वापस चले जाओ। क्यों? तुम्हारे क्यों का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है और तुम्हारी बात मान लेना मेरे लिए भी जरूरी नहीं है। सीधी तरह यहां से चला जाओ वरना अगला पिछला हिसाब बराबर कर दूंगा। Behave yourself। लगता है तुम शराफत की जुबान नहीं समझते। मैं यहां मधु से मिलने आया हूं और उससे मिलकर ही जाऊंगा। ए, तुम मधु से नहीं मिल सकते। अंकल, मधु से मिलने से पहले अपनी हैसियत पर नजर डालो।
मैं मधु से प्यार करता हूँ अंकल। तुम मधु से नहीं, उसकी दौलत से प्यार करते हो। पैसे के लिए तुम उस भोली भाली लड़की को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाना चाहते हो। नहीं अंकल, ऐसा इल्जाम लगाकर मेरे प्यार को बदनाम मत कीजिए। मधु के लिए तो मैं दुनिया की हर दौलत ठुकरा सकता हूँ। तुम क्या समझते हो, तुम अपनी मोहब्बत का दाना डालकर उस सोने की चिड़िया को उड़ा ले जाओगे और हम तमाशा देखते रहेंगे? हाँ जाओ, चले जाओ। बस एक बार, सिर्फ एक बार मधु से मिल लेने दीजिए अंकल, प्लीज। अबे ओ मजनू की छठी औलाद, अपनी लव स्टोरी बंद करेगा कि मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूं इसे? आप जबरदस्ती हमारे प्यार के बीच दौलत की दीवार खड़ी कर रहे हैं, मगर याद रखिए, मैं ये दीवार गिरा कर ही रहूंगा। मैं ये दीवार गिरा कर ही रहूंगा अंकल, याद रखिए। आप हम पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप मधु को जिंदा नहीं कर पाएंगे अंकल, कभी नहीं। मधु, मधु, तेरा आनंद आ गया क्या? कहीं तेरे प्यार के दुश्मन उसकी जान के दुश्मन न बन जाए। नहीं, मेरे आनंद को कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। आनंद, आनंद, आनंद। क्या कर रही है पगली? तेरी आवाज इन पथरीली दीवारों से टकरा कर यहीं रह जाएगी। अरे आनंद, तुम अचानक यहाँ कब आए? जी बस आज ही। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या हुआ? जी कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं, तुम्हारा चेहरा तो बहुत कुछ बता रहा है। आओ चलो घर चल के बात करते हैं। आओ जी, कम ऑन कम। तुम्हारे साथ उन लोगों ने जो बर्ताव किया उसकी वजह बिल्कुल साफ है, वो लोग तुम्हारे और मधु के प्यार के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि तुम उससे मिलो, इसलिए उन्होंने तुम्हें बेइज्जत किया। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि मधु की जान खतरे में? मैं मधु के लिए चिल्ला रहा था अंकल, लेकिन मधु सामने नहीं आई। आखिर वो थी कहां? जरा सोचिए अंकल, सोचिए। घर के नौकर चाकर मौजूद थे, बलबीर और सुखदेव भी वहां खड़े थे, मधु की सहेली रानी भी थी, लेकिन मधु, सिर्फ मधु वहां नहीं थी। इससे बड़ी शक की और क्या वजह हो सकती है अंकल? शक ही नहीं, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया अंकल कि मधु के साथ जरूर कोई जोर जबरदस्ती की जा रही है। साहब, कमिश्नर साहब आए हैं। आनंद के बच्चे ने जरूर उसे अपना दुखड़ा सुनाया होगा, इसलिए वो यहां आया है। अगर उसने मधु के बारे में, डोंट वरी डैड, उसके सवालों के जवाब खुद मधु अपनी जबान से देगी, आप फिक्र मत कीजिए। कैसे हो सुखदेव जी? आप सुनाइए, इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आई? आपकी नहीं सुखदेव जी, आपकी नहीं, अपनी बेटी की याद आ गई। कोई बुरा मत मानेगा, हमारी बेटी तो बहुत दूर दिल्ली चली गई है, इसलिए सोचा कि मधु से दो बातें करके अपनी बेटी की याद को थोड़ा ताजा कर लूं। सो चलाया। कहाँ है मधु? अंदर है, चलिए भीतर चलते हैं। आइए। तुम्हारा आशिक आया था, बड़ा फड़फड़ा रहा था, उसे भगा दिया। अब कमिश्नर साहब आए हैं, उसे तो नहीं भगा सकते, हाँ? पुलिस वाले हैं, कैसे भगा सकते हैं? ये पुलिस वाले भी बड़े शक्की होते हैं, इसलिए तुम उनसे उसी तरह मिलोगी जैसे हमेशा मिला करती हो, समझी? बेटी की जरा सी दूरी से बेचैन हो गए, बड़ा नरम दिल है आपका। हमने तो सुना था पुलिस वाले बड़े सख्त दिल होते हैं। गलत सुना आपने, पुलिस वाले दिल के सख्त नहीं होते, उसूलों के सख्त होते हैं। होशियार रहिएगा। अगर आज के परफॉर्मेंस में तुम ठीक नहीं उतरी तो तुम्हारे आशिक को मौत के घाट उतार देंगे। कैसी हो मधु? सुखदेव जी कह रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। कुछ तबीयत ठीक नहीं अंकल, कुछ हालात बदल गए हैं। हालात? हाँ देखिए ना अंकल, पढ़ाई खत्म हो गई, इतनी बड़ी दिल्ली छोड़कर यहाँ रहना पड़ गया। वहाँ मैं एक आजाद पंछी की तरह थी, यहाँ कैद होकर रह गई।
इतना बड़ा घर है फिर भी तहखाने से लगने लगा है। बेटी कभी हालात से समझौता करना कभी उससे लड़ना यही तो जिंदगी है। भाई सुखदेव जी अब इसकी शादी कर डालिए, इसका अकेलापन इसकी उदासी सब दूर हो जाएगी। मैं तो कब की शादी करा चुका होता, पर इसके बाप ने 18 बरस पूरे होने की शर्त तो लगा रखी है। हाँ तो अब उसके पूरे होने में देनी कितने बाकी हैं? वैसे आजकल बच्चों की शादी करने से पहले उनकी पसंद जान लेनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? मैं भी शादी ब्याह के मामले में जबरदस्ती पसंद नहीं करता। सुना है आपने अपनी शादी भी अपनी मर्जी से की थी? यही बात मैंने आपके बारे में सुनी है। बातों बातों में वक्त बहुत निकल गया। अच्छा बेटी अब मैं चलता हूँ, खुश रहना। अच्छा ओके थैंक यू मैम। हेलो हेलो आनंद, मैं रानी बोल रही हूँ। रानी, रानी मधु कहाँ है, कैसी है वो? वो बिल्कुल ठीक है। सुनो वो तुमसे मिलना चाहते हैं, आज रात पहाड़ी वाले खंडर में हमारा इंतजार करना, मैं मधु को साथ लाऊंगी। मगर मधु ने खुद फोन क्यों नहीं किया, वो है कहाँ? ये सब बातें बताने का वक्त नहीं है, तुम्हें मधु से मिलना है तो खंडर में आ जाना रात को। रानी हम जैसे चालाक सौदागरों की काम की चीज हो तुम। तुमने जैसा कहा मैंने वैसे ही तो किया। हाँ, किया किया किया। तुम्हें अपना पार्टनर बनाने के बारे में सोचेंगे, जाओ। एक बात है डैड, नाजायज दौलत हासिल करने में दो चार खून हो ही जाते हैं। उन्होंने तेरे आनंद को मार डाला, ऐसे नहीं हो सकता, मेरा आनंद मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मैं मर जाऊंगी। Thank you.
जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो इसे। डॉक्टर साहब इसे किसी भी तरह बचा लीजिए, पैसों की परवाह मत कीजिए, पानी की तरह पैसा बहा दूंगा पर मेरी बच्ची को बचा लीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप दुआ कीजिए। देखो मेरी बच्ची ने क्या कर लिया। हाँ, और यही जानने आया हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। नादान है, बच्ची है, ऑपरेशन हो जाए, भगवान की कृपा से ठीक हो जाए तो पूछूंगा उससे क्या तकलीफ है। नहीं सुखदेव जी, आप नहीं पूछेंगे, ये खुदकशी का केस है और इस वक्त यहां मैं उसके अंकल की नहीं एक कमिश्नर की हैसियत से आया हूं। उसके होश में आने के बाद सबसे पहले मैं उसका बयान लूंगा। इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दो और इन दोनों का खास ख्याल रखना। ओके सर। ये कमिश्नर फर्ज और कानून का राग कुछ ज्यादा ही अलाप रहा है। इसके कानून का कोई भी राग हमारी बदमाशी के लेवल तक नहीं पहुंच सकता डैड। अगर इसने ज्यादा होशियारी दिखाई तो आनंद की तरह इसकी भी आत्मा को ऊपर ट्रांसफर करवा देंगे। क्या हो गया भाई? ए ड्राइवर जी महाराज, क्या हो गया बस को? गाड़ी खराब हो गई जी। गाड़ी खराब हो गई, चलो चलो नीचे आओ, आओ नीचे। टाइम पर पहुंच जाऊंगा पर क्या करें। हो गया सत्यानाश, जगह वीरान, रास्ता सुनसान, न चाय की दुकान न पान की दुकान, ये बस को भी इधर ही खराब होना था। जय माता दी। अब क्या करेगा, कहीं ठंडी जगह बैठ के आराम करेगा और क्या करेगा। चलो बेटा चलो। हाँ 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 जय। ये कौन है भाई, किसने झाड़ियों में फेंक दिया इसको? राम 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 राम। अरे ये तो अपना हीरो है, संगीत मंडली वाला। क्या हो गया भाई? अरे अरे, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा। जय माता दी। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, ये तो झाड़ियों के पीछे जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। माता रानी कृपा हो गई, मेरी नजर पड़ गई इसके ऊपर और मैं उठा के लिया अस्पताल में, वरना इसका तो हो गया था। बोलो राम। सच है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। ये तो जिंदा वापस आ गया और मधु को भी अभी होश आ जाएगा। ये हालत हमारे खिलाफ बाजी पलट सकते हैं डैड। मेरे ख्याल से इन दोनों को मौत की नींद सुला देना चाहिए। नहीं, हमारा कोई भी गलत कदम कमिश्नर के शक को यकीन में बदल सकता है। बाजी अब भी हमारे हाथ में है। कहां जा रही हो? आनंद के घर। क्यों? कितने दिन हो गए बाबूजी, आनंद की अभी तक कोई खैर खबर नहीं आई। नाम मत ले उस धोखेबाज का। उसका ख्याल छोड़ दे बेटा, उसने कहां हमारा ख्याल किया है। इन हाथों में हथकड़ी लगवा दी है साले ने, प्रोग्राम छोड़कर भाग गया। लोगों का नाम अपनी डायरी में लिखने वाला रोशनलाल अपना नाम पुलिस स्टेशन की डायरी में लिखवा कर आ गया। चार चार दिन तक मुझे पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में रहना पड़ा उसकी वजह से, वो भी बिना रोशनी के। म्यूजिक मार्केट में मेरी नाक कटवा कर रख दी। ये तार वाला कहीं से उसके मरने की खबर लेकर आए तो मैं उसको 10 रुपये इनाम दूंगा, वो भी सलाम मारकर। नहीं बाबूजी, ऐसा मत बोलिए, गुस्सा जितना जी चाहे कर लीजिए पर मरने की बात मत बोलिए बाबूजी। कोई कोई मजबूरी होगी,
वरना आनंद ऐसा कभी नहीं करता बाबूजी। मजबूरी? मजबूर वो नहीं, मजबूर मैं हो गया हूँ मैं। और तू पागल हो गई है, पागल। चल अंदर जा, अंदर जा। आनंद, भगतू, आनंद तू ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना आनंद? अंकल, अंकल मेरी मधु कहाँ है? अंकल, अंकल कहाँ है मेरी मधु? अंकल, अंकल वो लोग मुझे खत्म करके मेरी मधु को मुझसे छीन लेना चाहते हैं। अंकल, अंकल मुझे मधु के बिना ये जिंदगी नहीं चाहिए। अंकल ये जिंदगी नहीं चाहिए। आनंद प्लीज रिलैक्स। आनंद ये क्या कर रहे हो तुम? वाह बेटे, प्रेम करते हो और प्रेम की शक्ति पर विश्वास नहीं? इतनी जल्दी उम्मीद का दामन छोड़ दिया? याद है मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुम तो चले गए। खैर, घर पे ना सही, मैं यहीं हॉस्पिटल में अपना वादा पूरा करूंगा। हाँ मधु, मधु, आनंद, मधु, आनंद, मधु, आनंद, मधु, जब प्यार होता है तो कभी कभी ऐसा ही होता है। दो बिछड़े हुए प्यार करने वाले मिल गए। आज मैं अपनी बेटी को अपनी निगरानी में विदा करूंगा। आओ। तुम्हारी आंखों के सामने मेरी बेटी को ले गया और तुम? प्यार करने वालों को कोई जुदा कर पाया है भला? वैसे बेटी की विदाई कैसी लगी? बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। डरती हूँ कहीं मेरी नजर ना लग जाए। अरे बस माँ बस, सारी तारीफ तू ही कर देगी तो मैं क्या करूंगा। तारीफ वारीफ छोड़, पहले इसका किचन टेस्ट तो ले ले। अरे माँ ये भी तेरी तरह बहुत मजेदार परौंठे बनाती है। अच्छा? आलू के परौंठे वाह, पूली के तो गजब के, और गोभी के तो क्या कहने। अभी अभी तो आई है और मेरे रहते हुए ये भला चूल्हा चौका क्यों करेगी? बाद में तू जो भी चाहे करना, मगर आज तो तेरी बहू तेरे लिए परांठे जरूर बनाएगी। बोल, बनाएगी ना? हाँ। तो फिर शर्माना मुस्कुराना छोड़िए और सीधा किचन में जाके परांठे बनाइए। खड़े खड़े मुंह क्यों देख रही है? चल जाके परांठे बना। लेकिन बेटा, बीच में मत बोल माँ। लेकिन किचन है कहाँ? आपकी नाक की सीध में। चलिए चल परौठे बनाने। चल अंदर जा। जा ही तो रही हूँ। देखा माँ, जरा रोब जमा रहा था, कैसा था? वैसे तो ठीक था, लेकिन थोड़ा बनावटी था। माँ जी, खैर बेटी मैं अभी आई। आनंद, आनंद! अरे इना! मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू आ गया यार। और कैसा है तू? तेरे आने से तू जैसे बाहर आ गई। देख नहीं रहा मेरा मुरझाया हुआ चेहरा कैसे खिल गया? और बाकी सब तो ठीक है ना? अरे ठीक नहीं है तो अब ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है, ज्योति ने तेरे आने के लिए मन्नत मांगी थी और देखो पूरी हो गई, तू आ गया। मैं अभी ज्योति को बोल के आता हूँ। अरे रुक, अरे रुक यार, अरे सुन तो सही यार। ओफो, अरे ज्योति,
ज्योति, अरे तुझे पता है तेरा आनंद वापस आ गया है। क्या? सर, सच? तो फिर इस इम्तिहान का रिजल्ट तो बोल माँ। पास हो गई, 100% नंबर मिले मेरी बहू को। अरे सच माँ, यू आर ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस, अब तो खुश। देखा, 100% मार्क्स मिले तुमको हमारी वजह से। इतनी प्यारी सूरत है, हाथ में उतना ही मजा है। माँ, इसीलिए तो ये हाथ जिंदगी भर के लिए थाम लिया है। अब तुझे किचन विचन में जाने की कोई जरूरत नहीं। आज के बाद खाना तेरी बहू बनाए करेगी। क्या बात है बाबूजी? आनंद वापस आ गया है बाबूजी, और अपने साथ मधु को भी लाया है। मधु? हाँ, आनंद मधु से शादी करना चाहता है बाबूजी, लेकिन मैं आनंद से बहुत, बस आप तो कुछ समझते ही नहीं। कैसा बापू, जिंदगी भर जिसके लिए डायरियों की हेरफेर करता रहा, उसके दिल का ही हाल न जान सका। अब मुझे पता चला तेरी मुस्कुराहट कहां खो गई थी। तू निराश मत हो बेटा, तेरा बाप अभी तक जिंदा है। मैंने ज्योति के साथ कोई धोखा, कोई बेवफाई नहीं की रोशनलाल जी। मोहब्बत और दोस्ती के बीच एक कांच की दीवार होती है, और वो दीवार ज्योति देख नहीं पाई। ज्योति सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, मेरा प्यार नहीं। लेकिन वो तो आस लगाए बैठे कि तू एक दिन उसके प्यार को अपना लेगा। उसके दिल को मत तोड़ आनंद, अगर तूने इनकार कर दिया तो जीते जी मर जाएगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरा सब कुछ ले ले, मेरी जिंदगी की कमाई, मेरा कारोबार, मेरी दौलत, मेरा सब कुछ ले ले, लेकिन लेकिन ज्योति को अपनी दुल्हन बना ले। ज्योति की गलतफहमी की वजह से मैं अपना प्यार, अपनी खुशियां कुर्बान नहीं कर सकता। मैंने मधु से प्यार किया है, जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाई है मैंने। मेरे सामने मेरी बेटी की बर्बादी का दावा करता है तो भूल गया हो गुजरा हुआ कल, जब पेटी बाजा लेकर गलियों में अपनी फटी हुई आवाज में गाना गाता था। तुझे फुटपाथ से उठाकर स्टेज पर मैंने बिठाया है, ये नाम, ये शोहरत, ये इज्जत सब मेरी वजह से है, मेरा एहसान है तुझ पर। मुझे फुटपाथ से उठाने में आपकी खुदगर्दी छिपी हुई थी। मेरी आवाज को बेचकर बेशुमार दौलत कमाई है आपने, मेरा फन, मेरी कला का सौदा करते आए आप, और आज आज मेरा ही सौदा करने चले आए। नहीं रोशनलाल, नहीं, तुम मुझे नहीं खरीद सकते। मैंने मधु से शादी करने का फैसला कर लिया है, और ये फैसला बदलेगा नहीं। आनंद, तूने मेरे भरोसे को ठोकर मारी है, मेरी बेटी की उम्मीदों पर पानी फेरा है। इतना सुन ले,
जिस रोशन लाल ने तुझे बनाया है वही रोशन लाल अब तुझे बर्बाद करेगा। क्या हुआ बाबूजी? तू उससे प्यार करती है वो पत्थर से? उसके दिल में न तेरे प्यार की कदर है न मेरे एहसानों की, सब कुछ भूल गया है वो। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, आप तो कुछ समझते ही नहीं। बस समझता हूँ मैं सब कुछ समझता हूँ। मैंने उसे सिंगर बनाया है, मैंने, मेरी वजह से आज लोग उसकी आवाज के दीवाने हैं। पर कौन था वो, कौन जानता था उसे? लेकिन ये रोशन लाल उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देगा। आ रहा हूं। हम लोग आनंद की तलाश में आए हैं, वो मेरी बेटी को किडनैप करके ले गया। लगता है आप भी मेरी तरह जख्मी हुए हैं। आइए मैं बताता हूँ, आइए। रोशनलाल तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? उस जगह जहाँ तबाही और बर्बादी के सौदे हुआ करते हैं। इस बाजार का तराजू मद्दी दादा के हाथ में है, जिसके पलड़े में न कानून है न पुलिस। इससे अच्छा मददगार हमें पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा। दोस्ती की शुरुआत शराब से और दुश्मनी का खात्मा खून से, यही मद्दी का कानून है। कैसे हो रोशनलाल जी? ठीक हूँ। ये लोग? ये परदेसी हैं मद्दी, दूसरे शहर से आए हैं, क्योंकि इनकी भतीजी को अपने शहर का एक लड़का प्रेम का झांसा देकर भगा लाया है। भगा कर लाया है तो शादी भी करेगा? और जो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस लड़की की शादी मैं अपने बेटे से करना चाहता हूँ। इससे यह है मेरा बेटा बलबीर। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ मेरा बेटा, अभी अमेरिका से आया है। अमेरिका से? दिल्ली की पुरानी जेल का नाम अमेरिका कब से पड़ गया भाई? मेरे दिमाग के कैमरे में इसका एक्सरे बहुत बुरी तरह फिट है। इसका नाम बल्ली है। बल्ली, लड़कियों पर बिल्ली की तरह झपटा मारने वाला बल्ली। 12 साल की नाबालिग लड़की के रेप के चक्कर में धर लिया था इसे पुलिस ने। 7 साल की लगी थी इसे, याद है ना? जेल की कोठरी की जगह हवेली की चार दीवारी में पनाह मिल सकती है तुम्हें। इसमें तुम्हारा क्या फायदा? बरसों से करोड़ों की जायदाद हासिल करने के लिए एक शतरंज की बाजी खेल रहा हूं मैं। तुम्हें अपने बेटे के रूप में एक खास मोहरा बनाकर उस शतरंज पर बिठाऊंगा। वाह, एक मुजरिम बाप ने जेल से भागे हुए मुजरिम को गोद ले लिया और उसे अपना बेटा बना लिया। अच्छा किया, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली करने यहां चले आए। रोशनलाल जी, मेरे पास लोग खून करवाने आते हैं, टाके डलवाने आते हैं, और तुम मुझे पंडित समझकर यहां शादी करवाने चले आए। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी खातिर हम ये भी कर देते हैं और तुम्हारे इस डुप्लीकेट बेटे की शादी उस ओरिजिनल लौंडिया से करवा देते हैं। और बोलो, हम तुम्हें इसके लिए पूरी फीस देंगे। फीस? मद्दी अपनी चोरों की बिरादरी से फीस नहीं, हिस्सा लेता है। हिस्सा? हिस्सा? हाँ हिस्सा। और इस जायदाद में एक हिस्सा मेरा होगा और दो तुम्हारे होंगे। तीन का आंकड़ा मनहूस है मद्दी, चार हिस्से रखो। चार? चार, चार।
तो आपने क्या समझा है? मैं अपने गले में मैं आई हेल्प यू की तख्ती लटका कर घूम रहा हूँ जो फ्री एडवाइस दू? हद हो गई शराफत की। अरे भैया मैं नहीं होता तो आप दिल्ली की अंधेरी गलियों में भटकते रहते। रोशन लाल की रोशनी से यहाँ तक पहुंचे और मद्दी को मिलते ही भूल गए, शराफत है। चलो ठीक है, इस धोखे और लूट की शतरंज के आज से चार खिलाड़ी सही, लेकिन पहली चाल मैं चलूंगा। चीयर्स। चीयर्स। कौन हो तुम लोग? तेरा बेटा और वो लड़की कहाँ है जिसे वो उत्तरकाशी से भगा कर लाया है? मैं कहती हूँ घर के बाहर निकलो। मेरे सामने सुबान चलाती है बुढ़िया। ज्योति, ज्योति, ज्योति आनंद की जान खतरे में है। चुटकी बजाकर लड़कियां उठाने वाला मद्दी, आज इतनी देर ये गया कहाँ? छोकरी तो कब की उठा ली सेठ? हैं? उठा ली? फिर कहाँ है? फेरे लेने। फेरे? ये तो सरासर धोखा है। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम लोग यहीं रहोगे हमारे कब्जे में। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। होश में आ लौंडे, इस शादी का सबसे बड़ा गवाह तो तूने ही बनना है। देख तेरी मशूका के साथ कैसे तेरी आंखों के सामने फेरे लेता हूँ। नहीं छोड़ दो आनंद को, छोड़ दो इसे। शलाल की छोरी है ना? हाँ, और इस दगाबाज की दुश्मन, इसने मेरे अरमानों की दुनिया में आग लगाई है। मेरे ख्वाबों के महल को तोड़ा है इसने। यही सिला दिया तूने मेरी दोस्ती का? देख देख मेरी तरफ और बोल क्या कमी थी मुझमें। हाँ, अपनी आंखों में प्यार की चमक लिए मैं हमेशा तेरे साथ रही, और तेरी इन बेवफा आंखों ने इसके प्यार को अपना लिया। नहीं, मैं तुझे किसी और के प्यार में जिंदा नहीं देख सकती। जिन हाथों को तेरे सुहाग की मेहंदी में लाल करने की तमन्ना थी, मैं आज उन्हीं हाथों को तेरे खून से लाल करूंगी। बैठो 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 बैठो। मद्दी उस्ताद के नाम पे कुछ दे दे। हैं? इंटरनेशनल बेवड़े आए हैं, थोड़ी सी रोशनी मिल जाए, मतलब शराब आधा दे दे। अच्छा शिल्पा हुआ दे दे, एक लार्ज पैक दे दे, स्मॉल दे दे, लेकिन कुछ तो दे दे यार। क्यों शादी में आया क्या? गला सूख रहा है ना इतने। जा जाके किचन में पानी पी ले जा।
रुक जाओ। ये जिंदगी तो कब की तरह नाम कर दी थी आनंद, आज तो सिर्फ कुर्बान की है। बेटी मेरी, अपनों के लिए मरना भी तो एक जिंदगी है बाबा। बाबा आपको मेरी कसम है बाबा, आनंद से मधु को कभी जुदा मत होने देना बाबा। बस आप तो कुछ समझते ही नहीं। भाग! छोड़ दो, हरामजादे छोड़ दो, बुड्ढे सारे छोड़ दो, भाग! Thanks, Dad. अरे ये क्या कर रहे हो? अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा बुड्ढे। नहीं नहीं, मैंने तुझे अपना बेटा बनाया बेटे। और तेरा ये बेटा बड़ा हरामी है डैड। नहीं नहीं। Oh,
बेटा मधु।